नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मेरी इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार इंटरमीडिएट की इस बार परीक्षा 2018 जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग के प्रिपरेशन में ये वीडियोज काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। अब मैं वन बाय वन जितने भी पोएट्रीज हैं इंटरमीडिएट के, उन सभी पोएट्री के सारे पोएम्स को एक्सप्लेन करूँगा, उसका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना बताऊँगा। तो आइए देखते हैं बिना कोई देरी किए। आप लोग भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करते रहिए और शेयर तो ज़रूर करते रहिए। आइए देखते हैं। हाँ, इंटरमीडिएट में क्लास 12 के लिए पोएम नंबर फर्स्ट जो है आपका, वो है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। दिस पोएम इज रिटन बाय सर हेनरी वॉटन और ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा पोएम है। आइए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से आइडियाज़ होते हैं और क्या है। सबसे पहला स्टैंजा है, देखिए, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न अट आर्ट दैट सर्व्स नॉट नर्सविल्स हुज आजमज इज इज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल। इसमें सर हेनरी वॉटन जी कह रहे हैं कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न अट आर्ट दैट सर्व्स नॉट नर्सविल, वह व्यक्ति कितना सुखी है, वह व्यक्ति कितना सुखी है, या वह व्यक्ति जो पैदा हुआ है या जिसको सिखाया गया है वो सच में बड़ी सुखी व्यक्ति है, जो दैट सर्व्स नॉट अनदर्सविल, जिसकी सेवा दूसरे लोगों की गुलामी करनी नहीं है, यानी जो दूसरों की इच्छाओं का गुलाम नहीं है, वह व्यक्ति बहुत ही सुखी है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका कवच उसके सुंदर विचार हैं, और जिसका सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, जिसका संपूर्ण कौशल, कौशल मतलब निपुणता, यानी पूरी काबिलियत, उसकी पूरी काबिलियत क्या है, उसका साधारण सत्य है, यानी वह व्यक्ति, ठीक है, जो जन्म लिया है या जिसने सीखा है कि जो दूसरों की इच्छाओं का गुलाम नहीं है, जिसके सुंदर विचार ही उसके कवच हैं और जिसका संपूर्ण कौशल उसका सत्य है, वही सुखी व्यक्ति है। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, जो जिसके ऊपर मनोवेग हावी नहीं है, यानी जो अपने मनोवेगों के ऊपर हावी है, जिसके ऊपर मनोवेग यानी मन की दशाएं जितनी भी होती हैं, इन हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, जैसे ग्रीड हो गया, जैसे एंगर है आपका, है ना, जेलिसी है, तो ये सारी चीज़ इस पर हावी नहीं है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर टू डेथ, जिसकी आत्मा मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहती है, यानी क्या, किसी भी सिचुएशन में जो मौत से डरता नहीं है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ, जो दुनिया में प्रिंसली लव या वल्गर ब्रीथ, साधारण लोगों की आलोचना, या फिर प्रिंसली लव मतलब होता है क्या चीज़, बड़े लोगों के एहसान पर, प्रिंसली लव जो राजाओं की कृपा पर, यानी धनी व्यक्तियों की कृपा पर, या बुरे व्यक्तियों के गाली गलौज पर, बुरे व्यक्तियों के आलोचनाओं पर, जो बंधा हुआ नहीं है, जो मुक्त है, सुख दुख हर उसे पैशन से, सुख दुख हर परिस्थिति से जो मुक्त है, वही सुखी व्यक्ति है। अगले टर्म में चलते हैं। Who hath his life from rumors freed, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त है, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त है, यानी क्या मतलब, ये वो सत्यता पर जी रहा है, उसके लाइफ में कोई भी चीज़ दिखावेबाजी के लिए नहीं है, वो प्रैक्टिकल है इंसान। Whose conscience is his strong rooted, जिसका conscience मतलब होता है अंतःकरण, जिसका अंतःकरण इज हिज स्ट्रांग रूटेड, उसकी मजबूत विराम स्थल। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जब भी कभी वो व्यक्ति, सुखी व्यक्ति जब भी कभी टेंशन में होता है, जब भी कभी जो है बहुत मुश्किल घड़ी में होता है, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है, तो अंतरात्मा में ही वो विश्राम करता है, मनन करता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैट और फ्रीड, जिसकी दशा ऐसे होती है कि जिसको चाटुकारी करके बर्बाद नहीं किया जा सकता, नॉट रून मेक ऑपरेसर ग्रीट, ना तो जिसका विनाश करके ऑपरेसर यानी अत्याचारी व्यक्ति कोई भी महान हो सकता है। देखिए ऑपरेसर वर्ड मैंने अपने सिनोनिम्स नंबर 3 में डाला है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है कि हु इनवीज नन, जो कभी घृणा नहीं करता, जो कभी नफरत नहीं करता, एनवी मतलब होता है जलन करना, ईर्ष्या करना, जो कभी जलन नहीं करता, होम चांस दृत रेज, जो चांस पा करके रेज हो गए हों, बढ़ गए हों, नारवाइस, ठीक है, उनके पापों से घृणा नहीं करता है, ना उन व्यक्तियों से घृणा करता है जो गलत काम करके बड़े बन गए हों, महान बन गए हों। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझता, हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, प्रशंसा रूपी कितने बड़े घाव किए जा सकते हैं, यानी क्या, जिसको तारीफ करके बर्बाद नहीं किया जा सकता, ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, जो कभी स्टेट के नियमों की चिंता नहीं करता है वो और हमेशा अच्छाई के नियमों की ही करता है। अच्छाई के नियमों का मतलब, आप लोग क्लास 9th में एलन वाला आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग जान सकते हैं एलन की घटनाओं के लिए, स्कूल के लिए जब वो चुना जाना था, तो अपना क्रिकेट मैच पहुंचना था उसको टाइमली, बट वहाँ छोड़ करके बूढ़े आदमी का मदद करने लगा, यानी क्या चीज़, स्कूल का नियम भूल गया वो, यानी क्या, मानवता का धर्म सबसे पहला धर्म।
नेक्स्ट है हु गॉट डेथ लेट एंड अर्ली प्रे डोथ, यानी होता है डज, ये केवल पोएट्स को ही अधिकार है लिखने का। हु गॉट डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो ईश्वर की सुबह और शाम प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड, अपने शान के लिए वो प्रेयर करता है, किसी गिफ्ट के लिए नहीं, बदले में कोई उपहार लेने के लिए नहीं करता। हु इंटरटेन द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक्स और फ्रेंड, जो अपना हानि रहित जीवन कहाँ इंटरटेन करता है, कहाँ बिताता है, या तो अच्छी पुस्तकों के बीच में या फिर अच्छे मित्रों के बीच में, और कहीं नहीं उसका लाइफ पार्टनर, उसका ट्रेवल पार्टनर और कोई नहीं होता। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, ऐसा ही व्यक्ति जो होता है सर्वाइल बैंड यानी गुलामी के जंजीर से मुक्त होता है। आप होप टू राइज आर फेयर टू फॉल, ऐसे ही व्यक्ति को उत्थान और पतन की ना तो कुछ पाने की आशा होती है, ना कुछ खोने का भय होता है, ना ऊपर बढ़ने की आशा होती है, ना नीचे गिरने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ डू नॉट अपलाइन, भले ही उसके पास धन नहीं होते फिर भी वो अपने आप का मालिक होता है, क्योंकि अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर वो पीछे पाया हुआ होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और ऐसे व्यक्ति के पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। देख लिया ना कितने बढ़िया से इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसके बावजूद वन बाय वन एक्सप्लेन मैं करूँगा, इसके बावजूद अगले सेशन में आप लोग पाएंगे कि इसका सेंट्रल आइडिया बिना याद किए कैसे लिखा जाए। सारी चीज़ के लिए पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।